हेलो बच्चों, सो आज हम बच्चों आपका 11th लेसन सब्स्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग के बारे में सीखेंगे बच्चों। तो आपको यहाँ पे ओरल वर्क दिया है। ओके बच्चों, इससे पहले बच्चों हमने इसके पहले का 10th लेसन जो था एडिशन दिया गया था, वो एडिशन हमने वो लेसन प्रॉपरली समझ लिया था बच्चों, आपने किया होगा। अगर आपने अभी तक तो वो लेसन नहीं समझा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उस लेसन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं बच्चों। ओके, और आगे हम अभी सीखने वाले हैं सब्स्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग। सो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको बोरोइंग मीन्स क्या, सब्स्ट्रैक्ट करते वक्त बोरो कैसे करना है बच्चों। अगर कोई नंबर हमें छोटा दिया गया है और कोई नंबर बड़ा हो तो उसमें सब्स्ट्रैक्ट कैसे करते हैं आज हमें सीखेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ ओरल वर्क दिया गया है बच्चों। ओके ओके, सो अनटाइंग 10 दिया गया है बच्चों। देखिए यहाँ पे टेंस और यूनिट है, 47 - 19 दिया गया है। अभी यहाँ पे क्या किया है बच्चों, देखिए 47 और 19 ये दो नंबर है, तो हमें यहाँ पे सब्स्ट्रैक्ट करना था। सब्स्ट्रैक्ट करना मीन्स नंबर को कम करना, उससे माइनस करना, राइट। सो यहाँ पे 7 नंबर था, यहाँ पे 9 नंबर था, तो 7 तो छोटा है, 9 बड़ा है, तो 7 में से 9 कैसे जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बोरोइंग की मेथड यूज़ करनी है। तो ये 7 नंबर है और ये 9 नंबर है, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे का जो नंबर है उससे एक नंबर यहाँ पे बोरो करेंगे, मीन्स उससे ले लेंगे, राइट। तो 7 का बना, यहाँ पे 1 हमने बोरो किया, हमारा 7 यहाँ पे लिखा, तो वो बन गया 17। और इससे एक नंबर बोरो किया था इसलिए ये इसका एक नंबर कम हो जाएगा, तो वो 3 आएगा। ओके, सो अभी 17 में से तो 9 जा सकता है, तो 17 - 9 किया तो 8 आया, एंड 8 आया ये आंसर, राइट। सो यहाँ पे 4 में से एक तो ऑलरेडी हमने दिया है, तो यहाँ पे 3 ही बचे, तो 3 - 1 किया तो 2 आया, सो 28। तो ये जो मेथड है बच्चों बोरो करने की, इसे हम सब्स्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग कहेंगे। ओके, सो चलते हमारे डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। ओके देखिए, यहाँ पे आपको सब्स्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ सम्स दिए गए हैं, राइट। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है बच्चों, 65 नंबर दिया गया है और 28 नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे आप अभी सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। देखिए 5 तो छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, सो 5 में से 8 कैसे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसके पहले का जो नंबर है 6, उससे 1 नंबर बोरो करेंगे। ओके, सो उसको बोरो करके हमने यहाँ पे लिख लिया और 5 को ऊपर दे दिया, तो ये नंबर कैंसिल हो गया। ओके, सो नंबर वहाँ पे ऊपर का क्या बना, 15। सो 15 में से तो 8 जा सकता है, तो 15 - 8 बना हमारा 7। ओके, सो यहाँ पे हमने 1 को 6 में से 1 को यहाँ पे दे दिया था, तो यहाँ पे बचे सिर्फ 5, तो 5 में से 2 गए, तो कितने बचे, 3, तो आंसर क्या हमारा, 37। सो आगे के भी आपको वैसे ही सॉल्व करनी है। देखिए यहाँ पे 0 था, तो 0 था तो हमने क्या किया, अभी 0 में से 4 तो क्या जाएगा नहीं, हम पहले क्या करते हैं, पहले यूनिट्स के सब्सट्रैक्शन करते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते वक्त हमें पहले यूनिट से स्टार्ट करना होता है। ओके, सो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या किया हमने क्या किया, ये इसके पहले का जो नंबर था 7, इससे 1 को बोरो किया, सो 1 को यहाँ पे ले लिया और ये 0 को ऊपर शिफ्ट कर दिया। ओके, सो टोटल नंबर बना यहाँ पे 10, और ये नंबर कैंसिल कर दिया हमने 0 को। ओके, सो ये 10 में से 4 गया, सो आंसर 6 आया। अभी यहाँ से हमने 1 को तो यहाँ पे दे दिया था, तो इसमें से बचा सिर्फ 1 निकल गया, तो बचा सिर्फ 6। ओके, 7 कैंसिल हो जाएगा और बचा सिर्फ 6, तो 6 - 3 आएगा। ओके, 36 आंसर आया। तो यहाँ पे भी हमें सेम मेथड फॉलो करनी है। देखिए 98 - 49 था नंबर, सो 8 में से तो 9 जाएगा नहीं, क्योंकि 8 नंबर तो बहुत छोटा है, सो 8 को क्या किया हमने, 8 को ऊपर शिफ्ट किया और उसके पहले का जो नंबर था उससे 1 को ले लिया। ओके, दोनों मिला के बन गए ये 18, सो ये 8 तो कैंसिल हो गया क्योंकि उसको हमने 18 बनाया है, तो 18 में से 9 गया, सो 18 - 9 तो 9 आया, सो 9 में से 1 को दिया तो 9 कैंसिल हो गया और बचा कितना, 8, क्योंकि 9 में से 1 हमने माइनस कर लिया, 8 बचा, सो 8 - 4 आएगा हमारा आंसर 4। ओके, 49। सो इस मेथड को हम सब्सट्रैक्शन बाय बोरोइंग कहेंगे।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों आपको वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए, अरेंज वर्टिकली एंड सब्सट्रैक्ट। वर्टिकली हमने पहले भी सीखा बच्चों, ऐसे ऊपर ऊपर और नीचे ऐसे नंबर्स दिए गए जाते हैं तो उसे वर्टिकल एडिशन कहते थे पहले के लेसन में। अभी यहाँ पे हमने वर्टिकली सब्सट्रैक्शन करना है। ओके, सो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर दिए गए, 100, 10 और यूनिट। तो देखिए यहाँ पे 567 दिया गया है, ये नंबर हमने नीचे लिखा, और 249 ये नंबर इसके नीचे लिखा। ओके, सो 567 माइनस 249। सो अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे 7 में से 9 तो माइनस हो नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, 7 को ऊपर शिफ्ट किया, और इसके पहले का जो 6 नंबर था उससे एक नंबर को हमने बोरो किया, राइट। नंबर बना हमारा 17, ये 7 तो कैंसिल हो गया, और इसमें से है एक तो हमने दे दिया, तो यहाँ पे कितने बचे, ओनली 5। तो इसको कैंसिल करेंगे, सिर्फ वो रहेगा 5। तो यहाँ पे हमें 17 माइनस 9 करना है तो आएगा 8, राइट। और 5 माइनस 4 यहाँ पे करना है तो आएगा 1, और यहाँ पे कुछ नहीं, 5 माइनस 2 ही करना है तो यहाँ पे 3 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया यार, 318। सो आगे के भी सम आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पे मैंने कर दिए हैं, आप वो करेक्ट कर सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी देखिए, अरेंज वर्टिकली एंड सब्सट्रैक्ट। यहाँ पे भी सेम है, अरेंज करना है हमें वर्टिकली और सब्सट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे भी मैंने ये करके दिया है बच्चों। देखिए, आप देख सकते हैं, पहला हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 445 नंबर था, उसमें से हमें 6 को ही माइनस करना था, ओनली 6 नंबर को यहाँ पे दिया गया है। ओके, सो एक ही नंबर यहाँ पे आया है। सो 5 तो जा नहीं सकता 6 में से, तो 5 को क्या किया हमने, ऊपर शिफ्ट किया, और 4 में से 1 को ले लिया। सो यहाँ पे वो नंबर बना 415, और 5 को कैंसिल कर दिया। सो इसमें से 1 यहाँ पे दिया तो ये बनेगा 3, क्योंकि ये 1 माइनस हो जाता है इससे, तो 1 माइनस हुआ तो ये 4 में से 1 माइनस हुआ तो यहाँ पे 3 आया, और 4 कैंसिल हो गया। सो 15 माइनस 6 आया हमारा 9। ओके, और 3 माइनस यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो एज इट इज़ 3 को हम वैसे ही लिखेंगे, और 2 को भी यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ नहीं, तो 2 को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। तो आंसर क्या आया हमारा, 239। ओके, सो आगे के भी सम आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं। आई होप अब बच्चों आपको ये प्रॉपर में समझ में आ गए हैं। ओके, यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सब्सट्रैक्ट ही करना है बच्चों। देखिए यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं ऑलरेडी, आपको सब माइनस करना है, जैसे हमने अभी सीखा बच्चों वही मेथड से हमें इसको भी क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। नीचे का क्वेश्चन भी वैसे ही आपको सॉल्व करना है बच्चों। ओके, सो यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, राइट द बिगेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट एंड सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम अनदर। सो बच्चों यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए, 3, 5, 4, 6, 5, 1 और 7, 2, 5। सो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपको क्या करना है, द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर यहाँ पे लिखना है, बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर। सो इससे सबसे बड़ा बनने वाला जो नंबर है वो 543, और सबसे छोटा बनने वाला नंबर है उसी को रिवर्स करेंगे तो सबसे छोटा नंबर बन जाएगा बच्चों। ओके, अगर आपको बिगेस्ट नंबर कौन सा है ये देखना है तो आपको क्या देखना होगा, उसकी 100 प्लेस। अगर उसकी 100 प्लेस सबसे बड़ी है, मीन्स ज़्यादा नंबर है वहाँ पे, तो वो नंबर बिगेस्ट नंबर होगा। ओके, उसके बाद ये हमारा सेकंड बिगेस्ट नंबर आया 651, और उसका रिवर्स किया तो हमें वही स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। उसके बाद सेकंड नंबर, थर्ड नंबर आया 752, तो ये हमारा बिगेस्ट नंबर है, उसी को रिवर्स करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, राइट, 257। तो अभी हमें क्या बोला था बच्चों, इसमें से इसको माइनस करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा 543 और माइनस 345। सो यहाँ पे भी हमने क्या किया, 3 में से 5 को माइनस करना था, लेकिन 3 नंबर तो बहुत छोटा है और 5 बड़ा है, तो 3 को क्या किया हमने, ऊपर शिफ्ट किया, और इसमें से 1 को यहाँ पे बोरो कर लिया, ये बना 13, और इसमें से 1 गया तो ये बनेगा 3, राइट, यहाँ पे हमने 3 लिखा। सो ये 13 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 आएगा, राइट।
सो यहाँ पे 3 नंबर था हमारा। अभी ये 3 माइनस 4 करना है, क्योंकि ये 4 तो कैंसिल हुआ है, पहले से ही हमने ये कैंसिल किया है, राइट। सो 3 से 4 तो माइनस होगा नहीं, तो अगेन यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हमें 1 को बोरो करना पड़ेगा। तो 5 में से हमने 1 को यहाँ पे लिया है, सो ये नंबर बना हमारा 13। और इससे जो एक नंबर हमने लिया है तो वो कैंसिल होके यहाँ पे 1 नंबर माइनस होगा और ये 4 आएगा। ओके, सो यहाँ पे रह गया हमारा 13 माइनस 4, तो आया 19, राइट। और 4 माइनस 3 आया 1। तो ऐसे ही सब्सट्रैक्शन आपको आगे के सम के लिए भी करना है बच्चों। ओके, सेकेंड वाला मैं फिर से बताती हूँ बच्चों। देखिए यहाँ पे हमने सबसे बिगेस्ट नंबर निकाला 651 और स्मॉलेस्ट नंबर निकाला 156, तो यही नंबर हमने यहाँ पे लिख लिए। बड़ा नंबर हमेशा ऊपर होता है बच्चों, सब्सट्रैक्ट करते वक्त बड़ा नंबर हमेशा ऊपर लिखना होता है और छोटा नंबर नीचे लिखना होता है। ओके, और अभी देखिए यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 6 करना है, तो 1 तो छोटा नंबर है, तो छोटे के लिए हम क्या करेंगे, अभी इसको कैंसिल कर लेंगे, उसको ऊपर शिफ्ट किया हमने, और इसको हम क्या करेंगे, अभी इससे 1 को बोरो करेंगे। 5 यहाँ पे आगे, उसके पहले का नंबर 5 था, तो 5 में से 1 को बोरो किया, यहाँ पे दिया, वो बन गया 11, राइट। सो 11 में से हम 5 तो निकाल सकते हैं, तो 11 माइनस 6 किया, 5 आया हमारा नंबर। ओके, देन अभी यहाँ पे 4 था हमारा, ये 4 हमारा आया था, राइट। ये 4 में से हम 5 को तो माइनस नहीं कर सकते, अगेन 4 क्या है, छोटा सा नंबर है और 5 बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 4 को अगेन यहाँ से 1 को ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 को ले लिया, ये 14 बन गए, राइट। सो इसमें से अगर 1 को ले लिया तो ये क्या नंबर बनेगा, ये छोटा बन जाएगा, 5 बन गया ये, राइट। ये माइनस किया इससे तो ये 5 आया, तो यहाँ पे 14 में से तो 5 जा सकता है, तो 14 माइनस 5 किया 9 आया, राइट। और 5 माइनस 1 किया 14 आया। ओके, ऐसे ही आपको ये सारे एडिशन सॉल्व करने हैं बच्चों। तो इस लेसन में बच्चों हम हाफ पार्ट ही कवर कर रहे हैं बच्चों, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे बच्चों। तो तब तक के लिए बच्चों बाय।